नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का जवाब आ गया है। हैदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मोदी आरएसएस सरकार की नीतियों और योगी पर बोलने पर क्या मुल्क से भगा देंगे। मालकपेट में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सीएम योगी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आती है तो ओवैसी को तेलंगाना छोड़कर वैसे ही भागना पड़ेगा। ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए योगी को इतिहास में जीरो बताया। तो आपको बता दें कि योगी पर पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और इतिहास में जीरो करार दिया है मुख्यमंत्री योगी को। इनके उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हॉल्स लिया है, ओथ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेकर वो हैदराबाद को टपक गए। बेचारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे। जिस तरह निजाम को भगाए थे, मैं इनको ये पूछ रहा हूं, ये भगाना, ये भगोड़ों की बात तुम कब से कर रहे हो? भगा देंगे? ये मुल्क आपका है, मेरा नहीं है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। ये मुल्क आपका है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं है। क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना, क्या मोदी के खिलाफ बोलना, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, आरएसएस के खिलाफ बोलना, योगी की नाहेली पर बोलना, तो क्या मुल्क से भगा देंगे? नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीफ को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप थम्स अप है, मुझे मालूम है, अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था।